दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मैं हूं आचार्य के तिवारी बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न वालों का संपूर्ण फलादेश कैसा होगा आपके लिए कौन सा ग्रह अनुकूल होगा और कौन सा ग्रह प्रतिकूल साबित होगा कौन सा रत्न आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए और कौन सा रत्न आपके आपको जीवन पर्यंत तक धारण करना चाहिए तो आइए जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे धनु लग्न के फलादेश के बारे में जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है किसी जातक की जन्म कुंडली का फलादेश बहुत कुछ उस जातक की कुंडली के लग्न भाव की राशि लग्नेश एवं उसकी स्थिति लग्न भाव में स्थित ग्रह लग्न भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह ग्रहों की युति आदि से प्रभावित होता है तो आइए जानते हैं धनु लग्न के फलादेश क्या होंगे धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक लंबे कद एवं गठीली युक्त तो होते हैं शारीरिक गठन सुंदर और सजीला होता है गोल और आकर्षक चेहरा श्याम पीत केश पैनी और खिलती हुई आंखें तथा सम्मोहक मुस्कुराहट इनकी विशेषता होती है धनु लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति अधिकांशतः दार्शनिक विचार के होते हैं ईश्वर में दृढ़ आस्था रहती है आत्मा परमात्मा जीव हंस ब्रह्मा माया आदि विषयों पर यह सहजता से ही चिंतन करते हैं और उन पर आस्था भी रखते हैं ऐसे व्यक्ति मित्रों के काम आने वाले राजा के समीप रहने वाले ज्ञानवान अनेक कलाओं के ज्ञाता सत्य का पालन करने वाले बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक पैसे से राजनीतिक बैंकर व्यवसायी अच्छे सलाहकार वकील प्रोफेसर अध्यापक सन्यासी अथवा उच्च कोट के उपदेशक होते हैं अपने भाषण में ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा व क्षमता लगा देते हैं यदि ऐसे जातक सैनिक बने तो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते दिन दुखियों की सहायता के लिए ये इंसान हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों को व्यर्थ सताने वालों का ये खुलकर विरोध भी करते हैं यहाँ तक कि उसे दंडित करने से भी नहीं चूकते आत्मविश्वासी होने के कारण ये सदैव सीधे तनकर चलते हैं झूठे आडम्बरों बनावट एवं दिखावट से ऐसे जातकों को हमेशा दूर रहते हैं प्रायः लोग इन्हें समझने में भूल कर जाते हैं धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक न्यायप्रिय निस्वार्थ भाव से सबके कार्य करने वाले मेधावी स्वाभिमानी धनवान उदार हृदय वाले शांति प्रिय एवं अनेक भाषाओं को समझने वाले होते हैं स्वादिष्ट भोजन पदार्थों से यथासंभव दूर रहने की चेष्टा करते हैं ऐसे व्यक्ति सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं परंतु दूसरे लोग इनकी इस सादगी का निश्चित लाभ उठाते हैं ऐसे व्यक्ति परिश्रमी भी होते हैं अतः आर्थिक संतुलन बिगड़ने नहीं देते समय के पाबंद होते हैं समय पर कार्य करना इनका स्वभाव होता है समय की कद्र करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी समय पर पूरा ध्यान दें अब ये दोस्तों जानते हैं आपके लिए कौन सा ग्रह अनुकूल साबित होगा और कौन सा ग्रह प्रतिकूल रहेगा और किस ग्रह का रत्न आपको धारण करना चाहिए और किस ग्रह का रत्न आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो कि आपके लग्नेश बनते हैं धनु लग्न में बृहस्पति देव पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं लग्नेश एवं चतुर्थेश होने के कारण बृहस्पति कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं पहले भाव चौथे भाव पाँचवें सातवें नौवें दसवें ग्यारहवें भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे साथ ही दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे तीसरे छठे आठवें और बारहवें भाव में स्थित देवगुरु यदि उदय अवस्था में है तो अशुभ फल तो नहीं देंगे लेकिन अच्छे फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी इन भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छाइयों को खो देते हैं कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य से अस्त पड़े बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहनकर उनके बल को बढ़ाया जा सकता है अगर अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और अंश बल से कमजोर हो रहे हैं तो भी गुरु की ताकत को बढ़ाने के लिए उनका रत्न पुखराज आपको हमेशा के लिए धारण करना चाहिए धनु लग्न वालों के लिए सबसे बेहतर रत्न पुखराज ही बनता है दोस्तों दूसरा ग्रह आपके लिए बनते हैं शनिदेव शनिदेव इस लग्न कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं लग्नेश बृहस्पति के विरोधी दल के होने के कारण उन्हें कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है इस लग्न कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी दशा अंतर दशा में अपनी क्षमता अनुसार जातक को सिर्फ कष्ट प्रदान करेंगे उनका रत्न नीलम धनु लग्न वाले जातकों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए शनि अगर किसी भी किसी भी प्रकार से आपको बुरा फल प्रदान कर रहे हैं तो शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करें उनसे संबंधित चीज़ों का दान करें जिससे कि शनि आपको ज़्यादा अशुभ फल प्रदान ना कर पाएँ लेकिन शनि का रत्न नीलम धनु लग्न और धनु राशि वालों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए यह आपके लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर देंगे तीसरे ग्रह आपके लिए बनते हैं मंगल मंगल देव इस लग्न कुंडली के पाँचवें और बारहवें भाव के स्वामी होते हैं पंचमेश होने के कारण मंगल कुंडली के अतियोग कारक ग्रह बन जाते हैं कुंडली के पहले भाव दूसरे भाव चौथे भाव पांचवें सातवें नौवें भाव दसवें भाव और ग्यारहवें भाव में पड़े मंगल अपनी दशा अंतर दशा में अपने बलाबल अनुसार बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव में यदि मंगल देव अपनी उदय अवस्था में हैं तो अपनी योग कारकता खोकर वह अशुभ फल भी देने लग जाते हैं अगर आपके अच्छे भाव के स्वामी मंगल अच्छे भाव में ही बैठे हुए हैं और किसी कारण बस कमज़ोर अवस्था में हैं सूर्य के साथ अस्त हैं या अंश बल से कमजोर हैं तो उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको उनका रत्न मूंगा जरूर धारण करना चाहिए मूंगा धारण करने से मंगल के मंगल की ताकत बढ़ जाएगी और वह आपको अच्छे फल देने में समर्थ हो जाएंगे दोस्तों बात करेंगे आपके चौथे ग्रह के बारे में चौथा ग्रह आपके लिए बनता है शुक्र धनु लग्न कुंडली में शुक्र छठे और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं वह लग्नेश बृहस्पति के अति शत्रु भी माने जाते हैं इसलिए शुक्र देव कुंडली के मार्ग ग्रह बन जाते हैं किसी भी भाव में स्थित शुक्र देव अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता अनुसार जातक को अशुभ फल ही प्रदान करेंगे परंतु छठे आठवें बारहवें भाव में शुक्र देव विपरीत राजयोग में है तो वह शुभ फलदायक भी बन जाते हैं लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ और बलवान होने चाहिए और साथ में शुक्र देव की स्थिति कमजोर होनी चाहिए तभी आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो पाएगा लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को शुक्र का रत्न हीरा या उपल कभी भी नहीं धारण करना चाहिए अगर शुक्र आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें उनसे संबंधित कारक चीज़ों का दान करें लेकिन शुक्र का रत्न पहनने की भूल कभी ना करें पाँचवा ग्रह आपके लिए बनता है बुध इस लग्न कुंडली के सातवें और दसवें भाव के स्वामी होते हैं बुध लग्नेश बृहस्पति उनका रिश्ता लगभग लगभग बराबर का होता है कुंडली में बुध देव अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल दोनों प्रकार के प्रदान कर सकते हैं पहले दूसरे पाँचवें सातवें नौवें दसवें ग्यारहवें भाव में पड़े बुद्ध की जब अंतर दशा या दशा चलती है तो अपनी क्षमता अनुसार जाता को शुभ या अशुभ फल देते हैं तो वहीं तीसरे चौथे छठे आठवें और बारहवें भाव में पड़े बुध अपनी अच्छाइयों को खोकर अशुभ फल प्रदान करते हैं किसी भी भाव में सूर्य के द्वारा अस्त बुध देव या बल से कमजोर होने पर भी बुध का रत्न पन्ना राशि और धनु लग्न वाले जातकों को नहीं पहनना चाहिए साथ ही अगर बुध किसी कारणवश अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कारक चीज़ों का दान करें उनके मंत्रों का जप करें इससे बुध अशुभ फल देना कम कर देंगे दोस्तों बात करेंगे आपके छठे ग्रह के बारे में छठा ग्रह आपके लिए बनता है चंद्रमा धनु लग्न कुंडली में चंद्रदेव आठवें भाव के स्वामी बनते हैं अशुभ भावों के मालिक होने के कारण चंद्रदेव को कुंडली का अति मारक ग्रह माना जाता है कुंडली के किसी भी भाव में पड़े चंद्र की अंतरदशा या दशा आती है तो जातक के लिए कष्टकारी हो जाती है छठे आठवें या बारहवें भाव में स्थित चंद्रदेव विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल भी प्रदान करते हैं परंतु इसके लिए लग्नेश गुरु का शुभ होना अति अनिवार्य है और चंद्रमा का कमजोर होना भी आवश्यक है अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा और चंद्रमा आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे इस लग्न कुंडली में चंद्रमा का रत्न मोती किसी भी जातक को कभी भी नहीं धारण करना चाहिए अगर उसकी लग्न धनु या राशि धनु है तो आप लोगों को मोती से परहेज रखना चाहिए अब बात करते हैं आपके आखिरी और सातवें ग्रह के बारे में सूर्यदेव इस लग्न कुंडली के नब्बे भाव के स्वामी हैं और भाग्य सोने के कारण वह कुंडली के अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं पहले भाव दूसरे भाव चौथे भाव सातवें नबे दसवें में, में स्थित सूर्य देव अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता के अनुसार आपको अच्छा और शुभ फल प्रदान करेंगे तो वहीं तीसरे छठे आठवें ग्यारहवें बारहवें भाव में पड़े सूर्य देव अपनी योग कारकता को खो देंगे और अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं इस लग्न कुंडली में सूर्य देवता अगर किसी कारणवश अंश बल से कमजोर हैं या पापी ग्रहों से दृष्ट हैं तो उनका रत्न माणिक पहनकर उनकी शुभता को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जिससे सूर्य देव बहुत अच्छे फल प्रदान कर सकें वैसे भी जिन लोगों की राशि या लग्न धनु है अगर उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है तो आप लोगों को माणिक रत्न जरूर पहनना चाहिए यह आपके भाग्य को बहुत बेहतर बना देंगे तो दोस्तों ये जानकारी थी धनु लग्न या राशि वालों के संपूर्ण फलादेश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें